अस्सलाम वालेकुम। बुढ़िया की जायदाद और खलीफा मामून का फैसला। एक शिकस्ता हाल बुढ़िया खलीफा मामून के दरबार में आई और शिकायत पेश की कि एक जालिम ने मेरी जायदाद छीन ली है। मामून ने पूछा, किसने छीनी है और वो इस वक्त कहाँ है? मामून को बुढ़िया ने इशारे से बताया कि वो शख्स आपके पहलू में मौजूद है। मामून ने देखा तो वो खुद उसका बेटा अब्बास था। वज़ीर को हुक्म दिया गया कि शहजादे को बुढ़िया के बराबर ले जाकर खड़ा कर दो। फिर दोनों की बातें सुनी। शहजादा अब्बास रुक रुक कर आहिस्ता गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन बुढ़िया बेधड़क बुलंद आवाज़ से मुसलसल गुफ्तगू करती रही। वज़ीर ने बुढ़िया को रोका कि खलीफा के सामने चला कर बोलना बेअदबी है। मामून ने कहा, नहीं, जिस तरह चाहे उसे आज़ादी से बोलने दो। सच्चाई ने उसकी ज़ुबान तेज़ कर दी और अब्बास को गूंगा बना दिया है। जब दोनों के इजहार ख़त्म हो गए तो मामून ने फैसला बुढ़िया के हक में किया और जायदाद उसे वापस दिला दी और मैकूल रकम अब्बास से बतौर जुर्माना वसूल करके बुढ़िया को दिला दी, ताकि उसकी तकलीफ़ का कुछ मुआवजा अदा हो सके, जो कि बुढ़िया को उसकी जायदाद अब्बास के कब्ज़े में चले जाने और इंसाफ हासिल करने के लिए उठाना पड़ी थी।